हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो आज हमारा ग्रुप राइड था सुबह के 6 बजे, जो कि मैं ऑलरेडी मिस कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में जो सबसे पहला प्रायोरिटी है वो मैं नींद को देता हूँ। तो मस्त नींद ले रहा था भाई, नींद लेते लेते इतना ज़्यादा लेट हो गया कि क्या ही बताएं। वैसे आज तो संडे है, पर संडे हो या मंडे, अपना डेली का एक ही रूल है, पहले नींद पूरा फिर कोई काम दूजा। तो भाई यार अभी फिलहाल तो राइड के लिए निकल चुके हैं, संडे राइड के लिए निकल चुके हैं। यार राइड और संडे राइड, मतलब जब राइड संडे को होना तो मतलब राइड में मज़ा ही अलग सा हो जाता है, राइड का फील ही अलग हो जाता है। मतलब सुनने में ही लगता है ना यार, संडे राइड मतलब कोई बड़ा सारा अच्छा खासा बात है। एंड एज यूजुअल घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही लग जाती है भूख। तू चाहिए। चलिए अंकल पास। अंजी अब आएगा ना मज़ा, पूरी टैंक फुल हो गई है, ये है अब भगाने का मज़ा ही अलग है। क्या ना, बाइक की जब टैंक फुल हो जाती है ना तो पूरा टैंक भरा भरा रहता है, लोडेड लगता है, तो गैप वैप मारने में बहुत इजी होता है। एंड गाइस ये अपना संडे का प्राइमरी लोकेशन, जब संडे को कहीं भी जाने को ना मिले, कहीं भी नहीं जा पाए तो यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद फिर कहीं जाते हैं। तो अभी इधर से मैं सोचा हूँ कि सबसे पहले अपना थ्रॉटल शॉटल विजिट करते हैं, थ्रॉटल शॉटल में थोड़ा सा चिल विल करते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या मूड बनता है। माहौल जमा हुआ है हायाबुसा। गाइस सच कहूँ तो इधर आकर के एक मोटिवेशन सा मिलता है यार, कि मेरे को भी कुछ अच्छा करना है लाइफ में, इतना पैसा कमाना है कि इस तरह से सुपर बाइक लेकर के चाय पीने आ सको। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यार इस तरह से सुपर बाइक ग्रुप देख करके। सुबह सुबह मॉर्निंग में इतने सारे अगर सुपर बाइक दिख जाते हैं तो समझ लो सारा दिन पूरा ऐसा लगेगा कि जैसे सुपर बाइक ही चला रहे हैं, ऐसे एकदम झुक करके, ऐसे एकदम सुलह करके, मतलब पूछो मत यार, मतलब मज़ा ही आ जाता है। वैसे हमारी ये बाइक भी किसी सुपर बाइक से कम नहीं है, अच्छी भागती है। देख रहे हो सिर्फ 8-10 सेकंड में ये 100 का स्पीड टच कर ले रही है। Few moments later. এখানে তো স্যার রুল আসেনি স্যার, হার্ট হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেল আছে স্যার, আমন সাও হ্যাঁ। थैंक यू सर। हाँ सर ऊपर एक टाइम अमेन सर एक टाइम हाँ बाइक है। ओ भाई साहब डर गया, मेरे को लगा शायद ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़ लिए, बट नहीं, नॉर्मल चेकिंग था। और पुलिस वाले अंकल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। कैमरा देख करके पहले तो बोले कि आपको पता है क्या, कैमरा पे मतलब हेलमेट में कैमरा लगाना अलाउ नहीं है। तो मैं बोला नहीं सर पता तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बट हम हमेशा ही लगा के घूमते हैं और ऐसा कुछ खास रूल रेगुलेशन नहीं है। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल होगा पक्का। मैं बोला हाँ यूट्यूब चैनल है। तो सर ने सर्च किया, पहला वीडियो देखा,
सब्सक्राइब भी किया, अच्छा लगा सर से मिल करके। एंड सर जी हमारा पेपर्स चेक ही कर रहे थे कि बगल से एक कार में एक अंकल आए, ड्राइवर अंकल आ करके बोल रहे हैं कुछ तो बोले पुलिस वाले को। मैं सोचा जा, ये भी आ करके बोल रहे हैं कि शायद पीछे रैस राइडिंग कर रहा होगा, बट मैं ध्यान से सुना तो वो अंकल पुलिस वाले को बोल रहे थे पूरा BMW BMW। तो मेरे को समझ में आया शायद वो ड्राइवर अंकल को मेरा बाइक पसंद आया और उनको लग रहा है ये BMW है, वरना जैसे ही वो आ करके बगल में खड़ा हुआ है ना और पुलिस वाले को मेरा बाइक की तरफ उंगली दिखा के कह रहे थे ऐसे ऐसे, तो मैं मतलब डर गया। मतलब आज मेरा सच में हालत ख़राब हो गया था कि लो यार संडे राइड को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। एंड गाइज लुक एट दिस, कितना छोटा सा ब्रिज है, इधर से इसको क्रॉस करना पड़ता है वरना उधर से आधा एक किलोमीटर घूर कर जाना पड़ेगा। ये शॉर्टकट है। वो जो देख रहे हो पुलिस वाले अंकल, वो कैमरा वैमरा लेकर के खड़ा है, वो उधर पे स्पीड चेक कर रहे हैं, जिसका भी ज़्यादा होगा वो सामने पकड़ाएगा। तो बस मेरे को इसी बात का डर था कि कहीं कैमरा वैमरा में उठ ना गया हो, मेरे को कोई देख ना लिया हो और सामने पकड़ लिया, इस तरह का मेरे को उस समय डर लगने लगा था। ये कोलकाता में अक्सर हर जगह पे कहीं भी होता रहता है, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है। ऐसे में ज़्यादा ओवर स्पीडिंग रेगुलर करता नहीं हूँ, जब मेरे पास कैमरा रहता है, कैमरा ऑन रहता है, तभी मैं थोड़ा ओवर स्पीडिंग करता हूँ, क्योंकि भाई यूट्यूब में ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अगर ओवर स्पीडिंग करेंगे नहीं तो आजकल के लड़के लोग हमारा वीडियो देखेंगे नहीं, तो थोड़ा सा ऑडियंस रिटेंशन बनाने के लिए ओवर स्पीडिंग रॉस राइडिंग करना पड़ता है। यहाँ साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी थोड़ा पाटुली के यहाँ पे है, देखो इधर पे, यहाँ पे ये चाय दुकान है नुचिकेता, और इधर पे एकदम अल्टीमेट वाला व्यू, इधर पे सनसेट हो रहा है। यहाँ पे हमारा और एक भाई बैठा हुआ है, ठीक है, ये कुछ बोल नहीं रहा है बट है, हम लोग के साथ ही है, अड्डा मार रहा है। यहाँ पे देखो ये बंदा मेरा बाइक का टेस्ट राइड लेने गया था, फुल स्वैग में आ रहा है, देख रहे हो क्या स्वैग है भाई का। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बना पाए, शॉर्ट सिंपल वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।